अबे खेलेगा क्या? नहीं खेलूंगा, रोज बेवकूफ बनाता है। अबे सच में बोल रहा हूँ, खेलेगा क्या? खेलेगा हमारे साथ? डेढ़ साल से वेट कर रहा हूँ, मना करूंगा क्या? चल खेलते हैं। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा काम है, वो कर दे फिर खेलते हैं। हाँ, क्या काम? वो कुछ नहीं, वो खेलते वक्त कमर लचक गई मेरी। अच्छा तो स्प्रे चाहिए। स्प्रे सब छोड़ना। हाँ। मेरे से झुका नहीं जा रहा है, तू शूलेस बांध देना। अबे जा किसी और को ढूंढ ले। टीम में लेने का सोचा था। चल छोड़, तेरी मर्जी। मुझे टीम में रखेगा? तू शूलेस बांध दे, ले लेता हूँ। क्या हुआ सीनियर, अकेला क्यों खड़ा है? मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा यार सीनियर, बीच पर घूमने चले क्या? मैं नहीं जाऊंगा। मेरी खातिर तो आना सीनियर। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। सीनियर, सीनियर, ए तू रो क्यों रहा है? मैं रो नहीं रहा, आंखों में धूल चली गई थी इसलिए आंसू आ गए। अरे बताना क्या हुआ है? मैं रो नहीं रहा हूं। तू मुझे बताएगा या नहीं? दो महीने तक वो मुझसे रोज बॉल उठवाता था, उसके बाद हवा भरने के लिए कहता था। आज उसने मुझसे शूलेसेस बंधवाए, कहा कि अगर मैंने किया तो वो मुझे खेलने देगा, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसने मुझे खेलने का मौका नहीं दिया। नहीं प्रभु, आज के बाद यहां नहीं आऊंगा। चल। ए सीनियर, सीनियर, सीनियर। क्या है, बोल। देखा सीनियर, ये बॉल तुझे कभी नहीं छोड़ने वाली, लेकिन तू जाना चाहता है ना? बॉल बॉय, बॉल फेंकना यार। अब क्या परेशानी है, तू अंदर जाकर खेलना चाहता है ना? जा खेल सीनियर। अगर मैं अंदर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जा खेलना तू। प्रभु कोई जरूरत नहीं, रहने दे। मेरी बात सुनेगा या नहीं? जा अंदर, अंदर जा और गोल मार, समझा सीनियर? अबे पोज क्या मार रहा है, बॉल फेंक और बाहर निकल। गोडाउन में बुला रहा है। तुझे बुलाया है? तू जा, मैं नहीं आ रहा। नहीं तुझे ही बुलाया है। कौन से गोडाउन में? भाई के पर्सनल गोडाउन में। हैं? पर्सनल गोडाउन में? बता भाई, इन लोगों ने ना स्टेडियम में बहुत बुरी तरह अपने लड़कों को मारा था।
तेरी परेशानी क्या है रे भाई? इसने झगड़ा चालू किया, पूछो क्यों किया। तूने इसे धक्का मारा था कि नहीं? चल पहले वो बता। मैं फुटबॉल खेल रहा था, फुटबॉल में टैकल किया, तू चुप रहे। तू चुप रहे, गंदी नाली के वायरस, बैक्टीरिया, पेचिस के वायरस। मुझे बोल रहा है? तुझे नहीं तो उसे बोलूंगा। आजा आजा। तुम 10 के बराबर। रुक जाओ, हट। ये क्या है? कौन है भाई? इडियट। नमस्ते भाई। बता परेशानी क्या है भाई? इन लोगों का एक प्लेग्राउंड है, इसे अंदर खेलने ही नहीं आने देते। 1.5 साल से इसे बॉल लाने और पंचर बनवाने के लिए यूज कर रहे हैं। इनसे ही पूछे प्रॉब्लम क्या है, हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे ना। अरे बच्चों की तरह क्यों झगड़ रहे हो? परेशानी क्या बताओ ना मुझे, तभी तो हल निकलेगा। हाउसिंग बोर्ड का लड़का है भाई। हाउसिंग बोर्ड मतलब क्या? मतलब हमारे लेवल का नहीं है भाई। हमारा लेवल खराब कर देगा ये। खराब कर देगा? सुन, अगर इसको मौका मिलेगा तो ही पता चलेगा ना कि अच्छा खेल पाएगा या नहीं। भाई हमसे पैसे लेके इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो? ए इधर। अब अगर तूने एक भी शब्द बोला तो मैं जवाब नहीं दूंगा, बाबा जवाब देगा। यू वॉन्ट टू सी बाबा? देख लिया ना बाबा? जा। ओके बाय, कल ग्राउंड में मिलते हैं। हिला दो ग्राउंड को। सब हिलेंगे। तू नाराज है क्या? चुप करना, बहुत खराब मूड में हो। देख उसके ना खेलने के तू हजारों कारण बता सकता है, लेकिन तूने कारण बताया कि वो हाउसिंग बोर्ड से है। तू ही बता ये सही है क्या? पास। ये हुई ना बात। स्टॉप, पेनल्टी। शाबाश कराची ते। यार बात क्या गोल कर रहा है यार, दिल खुश हो गया। ब्रदर तूने गोल देखा ना? देख लिया। कैसा था बताना? बहुत अच्छा था। एक बढ़िया प्लेयर से हाथ भी नहीं मिलाएगा। चलना। हम सब दोस्त हैं। ए मैं आ रहा हूँ। ए ग्राउंड पे ऐसे घूर क्यों रहे हो? ये कोई जेल थोड़ी ना है, चलो साथ में खेलते हैं। आ जाओ आ जाओ। शाबाश भाई। हम कहाँ जा रहे हैं? रुक बताता हूँ भाई, सीधे चलो। तुमने कहा था हम बीच पर जा रहे हैं। अरे मैंने कहा ना, थोड़ा तो वेट कर। ये हम लोग हॉस्पिटल में क्यों आए हैं? देख रम्या मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे पीरियड्स ना आए हुए 10 दिन हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता इतनी देर होना सही है। हॉस्पिटल में एक छोटा सा टेस्ट करना होगा, 1 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कुछ भी गलत नहीं होगा। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे पूछे बिना मुझे कहीं भी नहीं ले जाओगे। देखो अब ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है, पहले तुम बाहर चलो। टेस्ट नहीं करवाना क्या? नहीं सीनियर, पहले मैंने इसके बारे में इसे बताया, फिर इसे यहाँ लेकर आया। बात करते करते लेट हो गया। डॉक्टर ने बोला था थोड़ी देर वेट करने के लिए। रम्या जा जल्दी जा, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। जा जा। हे, पॉजिटिव हुआ तो क्या करेगा? थोड़ी देर वेट करो, डॉक्टर बस आ रहे हैं। हुँ.
माँ। माँ ए, तूने मुझे यहाँ आने को क्यों कहा? तूने मुझे बताया कि तुझे चोट लगी है तो मैं आ गई। यहाँ आके डॉक्टर ने बताया कि तेरा अबॉर्शन हुआ है। क्या है ये सब? माँ मैं बहुत डर गई थी। माँ मुझे समझ नहीं आया किसे बताऊँ। मुझसे अनजाने में गलती हो गई। सॉरी माँ। तुझे पता है तूने कितना बड़ा पाप किया है? ऐसी क्यों पड़ी थी तुझे? तुझे पता है कितने ही बच्चे गर्भ में मर जाते हैं? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा माँ। लोग मन्नतें मांगते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं, कितना खर्चा करते हैं, तब भी लोगों को बच्चा नसीब नहीं होता और एक तू है। एक बच्चे को जन्म देने की बजाय तूने उसे अपनी कोख में ही मार दिया। अब जो तूने कर दिया है उसके लिए रोने से क्या फायदा? माँ मुझे छोड़ दीजिए। माँ मैं कहीं जाकर मर जाऊंगी। माँ तुम्हारा नाम क्या है? रम्या। उम्र क्या है? 22। शादी हुए कितना टाइम हुआ? हाँ प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आई हो ना? बोलो ना, शादी हुए कितना टाइम हो गया? हेलो क्या हुआ? ए, रम्या जा रही है, उसे रोक। रम्या 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 एक मिनट। रम्या 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 टेस्ट हुआ या नहीं? नहीं। अब क्या परेशानी है तुम्हारी? मैंने टेस्ट कराने के लिए कहा था ना, तो अब ये नाटक क्यों कर रही हो? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। बताओ टेस्ट करा के क्या करोगे तुम? पॉजिटिव या नेगेटिव ये नहीं जानना है क्या? ठीक है, बताओ पॉजिटिव हुआ तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूँगा? इस एज में बच्चा होना सही है? अबॉर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक जिंदगी की वैल्यू क्या होती है तुम जानते नहीं हो प्रभु। मैं ऐसा नहीं कर सकती। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी परेशानी को मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। रम्या आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। मुझे माफ करो और कभी मेरी लाइफ में मत आना।